नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, समय के साथ जो एक परिवर्तन आया है उसको देखकर मन में बड़ी खुशी होती है। एक समय था जब लोग जन्मदिवस मनाते थे, विवाह की वर्षगांठ मनाते थे, घर में नाच गाना होता था, सब कुछ होता था। लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया है कि जीवन में खुशी कैसे मिल सकती है। अधिकतर लोग अपनी लोकप्रियता के लिए काम करते थे, लेकिन ये भी समझ में आया गया है कि इंसान को अगर कुछ मिलता है, इस इंसान की इज्जत होती है, इंसान को जो भी मिलता है वो या तो भगवान की कृपा से मिलता है या कर्म से मिलता है। अगर शिव कुमार तिवारी का नाम है तो ये कभी मुझे नहीं सोचना चाहिए कि लोग मुझे और मेरे नाम को पूछते हैं, लोग पूछेंगे आपके काम को। रविशंकर पुजारी को लोग नमन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि रविशंकर पुजारी जी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, वो सालासर धाम की पुजारी है और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब समझ में आती है तो इंसान के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। बेहद प्रेरणादायी कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप पीछे यहाँ पर नाम देख रहे हैं, श्री पवन जी गर्ग लुधियाना, आपका 58वां जन्मदिवस है और 58वें जन्म से उन्होंने गौ माता की सवामणी की है। और सवामणी ऐसे फलों की जो अक्सर इंसानों को नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं, आम है, लीची है, केले हैं, तरबूज हैं, अनेक चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, अच्छे अच्छे अनाज हैं, ये सब गौ माता को खिलाएंगे। एक और कार्यक्रम साथ में है, निर्मल जी कोठारी के माता पिताजी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ है। उन्होंने भी उस घर में मनाने के बजाय एक ऐसे स्थान पर मनाया जहाँ पर संतों का ठिकाना है, जहाँ पर ऐसा लोगों को बहुत सारी खाने पीने की राशन की चीज़ें दी जा रही है। ये समय के साथ जो बदलाव आ रहा है उसका एक प्रेरणादायी वीडियो है जो मैं आपको निवेदन करूंगा कि कृपया अगले 15 मिनट तक इस कार्यक्रम को जरूर देखें। देखिए कितना परिवर्तन जीवन में आएगा और आपको कितना आनंद आएगा। इस समय मैं सालासर सिद्धिपीठ की श्री बालाजी गौशाला में हूँ। रविशंकर जी पुजारी जी इसका संचालन करते हैं, राजस्थान के सबसे दिव्य गौशालाओं में से हैं। प्रत्येक के कार्यक्रम यहीं पर होते हैं, यहीं से लोग प्रेरणा लेते हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। पवन जी गर्ग का 58वां जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस पर उन्होंने केक नहीं काटा है, पार्टी नहीं की है, अगर कुछ किया तो गौशाला में किया है। और ये जो फल आप देख रहे हैं ये सारे फल गौ माताओं के लिए हैं और इसके अलावा वो गौ सेवकों का सम्मान भी करेंगे। ये देखिए, देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी सोच रखे तो सब कुछ बदल सकता है। देखिए ये हरा घास भी है, पौष्टिक अनाज हैं, गेहूं, चावल, गुड़, दालें, सब कुछ है यहाँ पर, चने हैं। और कितना सुंदर ढंग से इनको सजाया गया, आप देखिए। पवन जी गौ सेवक हैं, पर्यावरण प्रेमी भी हैं, ये पौधे भी उनके द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी गौशाला में आज वो अपना जन्मदिवस मना रहे हैं 58वां। मैं नमन करता हूं इस व्यक्ति की सोच की और नमन करता हूं आदरणीय रविशंकर जी पुजारी को जो लोगों को ऐसी प्रेरणा देते हैं। और आज पवन जी का 58वां वर्ष जन्मदिवस है और पति पत्नी और परिवार सहित आप गौशाला में आए हैं और गौ माताओं की सवामणी की है उन्होंने, और सवामणी भी ऐसी कि इंसानों को नहीं मिले। राजस्थान के सबसे अच्छी गौशालों में से एक हैं श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर, जिसके संचालक हैं रविशंकर जी पुजारी, अध्यक्ष भी हैं। लोग कई बार सोचते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा हमें क्या देती है, संतों के प्रति श्रद्धा हमें क्या देती है। वो हमें पवित्र सोच देती है, हमारी सोच में इस तरह की चीज़ें आती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोविड काल से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि गाय माताओं के लिए, जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए कोई सवामणी करता है, बंदरों के लिए कोई सवामणी करता है। और सवामणी ऐसी ऐसे फल जो इंसानों को नहीं मिलते हैं, ये सब सोच के कारण होता है। राजस्थान की प्रसिद्ध गौशाला है श्री बालाजी गौसेवा संस्थान और इसके अध्यक्ष हैं और दिव्य सोच के धनी हैं रविशंकर जी पुजारी। यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आज नहीं होते रहते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। और ऐसे आज यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री पवन जी गर्ग का 58वां जन्मदिवस है और इस अवसर पर उन्होंने गौ माताओं के लिए ये सवामणी की है। पहले मैं रविशंकर जी पुजारी से कमेंट लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं, जिस तरह की गौशाला का संचालन आप कर रहे हैं, आप पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सोच आपकी शुरुआत में कैसी हुई, किससे आपने प्रेरणा ली थी? मैं सबसे पहले बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करता हूँ और हमारे बालाजी महाराज के अनन्य गौ भक्त और बालाजी के भक्त
पवन जी गर्ग लुधियाना और उसकी पूरी फैमिली को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इनके परिवार में बालाजी महाराज अपार खुशियाँ रहे, सब स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हैं। सोच तो क्या है, सोच तो क्या है, जहाँ जिसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, उसको सोच के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। हम भगवान से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सोच के लिए ऐसे भक्त दानदाता भामाशाह सालासर माँ बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं, हम उनको उत्साहित करते हैं कि आपका जन्मदिवस हो, विवाह वर्षगांठ हो या अन्य धार्मिक उत्सव हो, इस संस्थान में, बालाजी का यह संस्थान है, आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अभी इस कोविड जैसी वैश्विक बीमारी में बालाजी महाराज का मंदिर तो बंद है, लेकिन ये गौ माता का जो मंदिर है, ये 36 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, ये हमेशा खुला रहता है। इन गौ माताओं की सेवा के लिए आप आगे आ सकते हैं, गौ की सेवा करते हैं। आज का बहुत ही शुभ दिन है, जिसमें ये हमारे बालाजी महाराज के भक्त आज पूरे परिवार सहित सालासर धाम में बालाजी महाराज के बाहर चौकट पे धोक दिया है। आज जन्मदिवस जो है वो सालासर के इस संस्थान में मना रहे हैं, इनको महाप्रसादी का भोग लगाया जा रहा है। सभी गौ सेवकों को जो है आज मीठा दूध पिलाया जाएगा, सभी गौ माताओं को जो है वो मीठा जल पिलाया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा। सभी गौ सेवकों को जो है उनको ड्रेसेज वितरित की जाएगी, और पशु जो पक्षी है, गौ माता है, सभी के लिए आज महाभोग का प्रसाद लगाया जा रहा है। ऐसे दानदाता और भामाशाहों को हम साधुवाद देते हैं कि बालाजी महाराज इन पे इतनी कृपा करें कि बस बालाजी महाराज की आशीर्वाद रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे। जय गौ माता की, जय बालाजी की। इससे बड़ा आशीर्वाद को हो ही नहीं सकता है कि बालाजी की कृपा रहे, गौ माता का आशीर्वाद रहे, और गौ माता का आशीर्वाद है तभी ऐसा सुंदर काम इन्होंने किया। अब मैं उस व्यक्ति से बातचीत करूँगा जिनका आज 58वां जन्मदिवस है। पवन जी, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ये आपसे पूछूंगा नहीं कि प्रेरणा किसने दी, क्योंकि प्रेरणादायी तो आपके पास में बेटा है, मैं जानता हूँ, और इनको प्रेरणा बालाजी से मिलती है। अनेक जन्मदिवस आपने मनाए, आज के इस जन्मदिवस पर आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत बढ़िया अनुभूति हो रही है, ये बहुत बढ़िया। वो ऐसे ही भगवान महाराज बालाजी महाराज ऐसे हमारे से मनवाते रहे, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप सब खुश रहे, बस यही कामना बालाजी है, हमारा पूरा परिवार खुश रहे। आपने 58 वर्षों में अनेक जन्मदिवस मनाए, अपने माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मनाए, और आज आपने बालाजी की पावन धरा पर जन्मदिवस मनाया पुजारी जी के साथ या फिर गौ माताओं के साथ में, ये अनुभूति किस प्रकार की है? पहले यही मनाते हैं कहीं जी जी हाँ यहीं पे मनाते हैं। बहुत बढ़िया अनुभूति है और बहुत बढ़िया काम है ये, केक काटने से, होटल में जाने से, ये सबसे बढ़िया है, हम यहीं पे आके मनाते हैं। यानी कि जो हम बात में बोलना चाहता था, कह रहे हैं कि केक काटने से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगता है, क्योंकि हमारी संस्कृति काटने वाली नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने वाली है, और बालाजी ने आपको गौ माता से जोड़ा, ऐसे भक्तों से जोड़ा है। पुजारी जी क्या कहेंगे? और मैं ऐसे भक्तों को भी बालाजी महाराज का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ये ऐसे भक्त हैं जहाँ सालासर बालाजी महाराज के दरबार में मेला लगता है, हनुमान जयंती का मेला लगता है, शरद पूर्णिमा का मेला लगता है, 31 दिसंबर का भी मेला लगता है, ये लगता है, लेकिन हम 31 दिसंबर को जानते नहीं थे, लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जो सालासर के दरबार में जब यहाँ कुछ भी नहीं होता था, तब वो 31 दिसंबर को ये बालाजी के दरबार में आते थे, 1 जनवरी के ये दर्शन करते थे। आज तो यहाँ जब यहाँ कुछ नहीं था, कम लोग आते थे, आज यहाँ लाखों की तादाद में यात्री आते हैं। हम बालाजी महाराज के ऐसे भक्तों को, बालाजी महाराज को बोलते हैं कि इन पे कृपा रखना, आशीर्वाद रखना, बालाजी महाराज, गौ माता, सब पुजारी परिवार का इन पे आशीर्वाद है, बस मौज करें। ये देखिए, ये मिलता है दिव्य स्रोत में, ये मिलता है। घर में जन्मदिन मनाएंगे तो थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, उसके बाद में सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ये वो पल है जो नहीं भूलने वाले पल हैं, और ये जो आशीर्वाद पुजारी जी से, बालाजी से मिला है, वो जीवन भर रहेगा। और 1 घंटे के जो उत्सव उड़दंगा होटलों में करते हैं, उसमें शांति के अलावा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए सब कुछ सोच के आधार पर है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और आज गौशाला में यही प्रेरणादायी वीडियो में बनाने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोगों की सोच में भी परिवर्तन हो, और ऐसे दिव्य कार्य आप भी करें अपने विवाह की वर्षगांठ पर, अपने जीवन दिवस पर या अन्य उत्सवों पर। ये देखिए, रूह अफजा की बोतलें जो पानी में मिलाई जा रही है। रूप जो मिलाई जा रहा है गौ माताओं के जल में, यानी शरबत पिलाया जाएगा इनको।
गाय माता उमड़ पड़ी है शरबत पीने के लिए। ये दृश्य देखिए आप, ये देखिए कितने प्रेम से गौ माताएं ये शरबत पी रही है। उमड़ पड़ी है गौ माताएं। श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान सालासर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए गौशाला प्रांगण को कितना सुंदर सजाया गया है। लापसी परोसी जा रही है। ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा देखिए। देखिए ये देखिए, सभी गौ भक्तों को शरबत पिलाया जा रहा है। गौशाला में गौ सेवकों को वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। ये देखिए सभी गौ सेवकों का सम्मान वस्त्र भेंट करके किया जा रहा है। ये देखिए गौशाला प्रांगण को कितना सुंदर सजाया गया है। गौ सेवा के बाद अब पूरा परिवार बालाजी के सानिध्य में आप देख रहे हैं, और ये सब कार्य बाबा की प्रेरणा से ही होता है, बाबा के आशीर्वाद से होता है। एक विशेष कक्ष है गौशाला प्रांगण में जहाँ पर अतिथियों का सत्कार सम्मान होता है। ये देखिए अब रविशंकर जी पुजारी जन्मदिवस का आशीर्वाद दे रहे हैं मिठाई खिलाकर। जय श्री बालाजी की। केक की परंपरा यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये जन्मदिवस अपने आप में एक दिव्य जन्मदिवस का उत्सव है जो हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति बनाए इस तरह से मूक प्राणियों की सेवा करके गौ सेवा करके और भगवान के दरबार में आकर जन्मदिवस मनाना। देखिए रविशंकर जी लाड कोड कर रहे हैं बाबा के भक्त गौ भक्त पवन जी का। देखिए कलाकंद का प्रसाद है, ये केक नहीं बनाए गए हैं, बाबा को भोग लगाया गया है और अब पवन जी खिलाया गया है। सीता राम हनुमान। इस समय मैं आपको दस्तानी भवन का दृश्य दिखा रहा हूँ। एक प्रेरणादायी कार्यक्रम हो रहा है। अणुवत समिति दीमापुर के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष निर्मल जी वेद कोठारी के माता पिता की विवाह की वर्षगांठ है, 85वीं वर्षगांठ है, और श्री पूनम चंद जी और सरस देवी जी वेद की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में उनके पुत्र राजेश जी और निर्मल जी ने एक प्रेरणादायी कार्यक्रम किया है। अक्सर लोग जन्मदिवस होता है या जब विवाह की वर्षगांठ होती है तो घर में पार्टियाँ करते हैं, नाच गाना करते हैं, लेकिन धन्य वो व्यक्ति होते हैं जो ऐसा और निर्धन लोगों के बारे में सोचे। और आज विवाह की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे पहले उन्होंने दस्तानी भवन में मधु प्रभा जी साधु जी के सानिध्य मंगल पाठ का आयोजन किया है, और उसके बाद में वो ऐसा लोगों को राशन के किट वितरित करेंगे। आप सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और काम धंधे काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे थे, ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। ऐसे में ऐसा ही लोगों की मदद करना निश्चित रूप से एक बहुत पुनीत कार्य है, और खासतौर से अगर माता पिता की विवाह वर्षगांठ पर यह कार्य किया जाए तो समाज के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रम होता है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं।
साहू लोग उत्तमा केवली बन तो नमो लोग उत्तम अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली बन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि भिक्षु वारिमाली शिराय जय दस्मगणि माणगणि दालगणि कालुगणि गणाधिपति गुरुदेव अतिशि महापज्ञ जी मां समण जी को शरण भिगनारायण मंगल गण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण स्मरण गया सयाजिन क्या काम धम्मो मंगल मुक्ति ठम अहिंसा संयमो तो देवावित नमन संगीत धम्मे सयामणो वैशंघरम पासम पासम मंदाकम गणमुखम विसर्विश निन्दाशम मंगल कल्लाश विसर्भुलिंग मंदम कंठे धारी जो सयामनो तस् गय रोग मारी दुख जरा जंति वैसा मुंचित दूरे मंदो दुजपणामो विभू नीजेशु जीवा पावन जिन दुख दोहगम तू असमते लद्दे चिंता मणि कप पाय बब्बे पावन जिज्ञण जीवाय नाम ठानम ये संसो महायश भक्ति भर निभरण अनुव्रत समिति के तमाम सदस्य आप देख रहे हैं साधी मधुप्रभा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। निर्मल जी वेद कोठारी के माताजी पिताजी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है। अब हम निर्मल जी वेद कोठारी के निवास स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर राशन किट वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। 51 ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये राशन किट तैयार किए गए हैं। परम पवन अनुसंधा आचार्य श्री महाजी महाराज की कृपा से शासन श्री साधी श्री मधुरेखा जी के मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। श्री पूनम चंद जी माता जी सर्वदेवी वेद विद्याश्रम की शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में जरूरतमंदों को राशन किट वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। अनुव्रत समिति सुजानगढ़ के तत्वाधान में निर्मल जी वेद कोठारी के निवास स्थान पर निर्मल जी राजेश जी वेद की माता पिताजी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ है। निर्मल जी कोठारी के निवास स्थान का ये दृश्य आप देख रहे हैं। अनुव्रत समिति सुजानगढ़ के तत्वाधान में निर्मल जी कोठारी जी के पिताजी पूनम चंद जी और माताजी सरोजदेवी जी वेद की विवाह की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। कोविड काल में इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसे में एक सार्थक विवाह वर्षगांठ कही जा सकती है। और अनुव्रत समिति इस तरह के प्रेरणादायी कार्यक्रम करता रहता है। पार्षद मधु जी बागरेचा, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष महजी तंवर और तमाम सदस्यगण आप देख रहे हैं इस अवसर पर मौजूद हैं निर्मल जी कोठारी के निवास स्थान पर। निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि फिर कहूँगा कि आज के युग में लोग विवाह की वर्षगांठ या जन्मदिन मनाते हैं तो तड़क भड़क से मनाते हैं, घर के लोगों के साथ नाच गाकर केक काटकर, लेकिन जिस तरह से आज अनुव्रत समिति के तत्वाधान में श्री राजेश जी निर्मल जी कोठारी ने अपने माता पिताजी की विवाह वर्षगांठ सुजानगढ़ में मनाई, हालांकि वो नागालैंड में हैं लेकिन सुजानगढ़ के लोगों को नहीं भूलें और ज़रूरतमंद लोगों के लिए 51 राशन किट वितरित किए हैं अनुव्रत समिति के अध्यक्ष महजी से। महजी, हालांकि निर्मल जी यहाँ पर नहीं है लेकिन उनकी क्या भावनाएं थी, उन्होंने क्या बताया, क्योंकि सुंदर कार्यक्रम आपने किया। निर्मल जी की हमेशा से एक ही भावना रहती है कि सुजानगढ़ में मेरे पिताजी माताजी की 50वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जाए। हमने पिछले साल भी 50वीं वर्षगांठ के परिवेश में सुजानगढ़ में 50 किट उनके द्वारा वितरित किए गए थे। ये 51वीं साल की परिवेश हो रहा है उनका, इसलिए हमने 51 किट तैयार किए हैं। उनकी भावना रहती है जब तक हर साल आते रहे 51, 52, 53, 54 गरीबों को राशन किट वितरित किए जाए। बिल्कुल अच्छी भावना है। 50वें वर्ष में प्रवेश किया था तो 50 किट बांटे गए थे और अब 50वें वर्ष का 51वें वर्ष में विवाहित जीवन प्रवेश करा तो 51 किट वितरित किए गए। मैं पार्षद मधु जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी भावना व्यक्त करें। कितना प्रेरणादायी कार्यक्रम है यह बहुत प्रेरणादायी कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं निर्मल जी कोठारी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो यहाँ सुजानगढ़ में हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जिससे ज़रूरतमंद लोगों को और गरीबों को सहायता मिलती है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही अनुव्रत समिति के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है महेश जी तंवर,
एक्टिव अध्यक्ष है, एक्टिव मंत्री है, तो उनका कार्यक्रम वो वहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ उनका कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, पूरा पूरा अच्छे से कार्यक्रम होता है उनका। और उनके ये माता जी और पिताजी की ये 50वीं जो शादी की सालगिरह है, उसके उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि ज़रूरतमंद तक ये चीज़ जो पहुँचती है अभी कोरोना महामारी में, तो उसके लिए उन्होंने ये बहुत ही नेक कार्य किया है। बिल्कुल, बहुत नेक कार्य किए हैं, और निश्चित रूप से मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी कार्य एक व्यक्ति से नहीं होता है। अनुगत समिति का ये जो आप देख रहे हैं पूरा दल खड़ा है, वो हमेशा सुजानगढ़ में अच्छे कार्य करता रहता है, चाहे वो लोगों को सही मार्ग पर ले जाने की बातें हो, क्योंकि अनुगत समिति सबसे बड़ी काम यही करता है, और साथ में लोगों के जो जीवन में सुधार कैसे हो, अच्छी बातें कैसे हो, इस तरह के कार्यक्रम अनुगत समिति स्कूलों में जाकर करते हैं, बच्चों के बीच में जाकर करते हैं, और कोरोना काल में भी उनके द्वारा अनेक कार्यक्रम ऐसे किए गए जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद की गई है। अनुगत समिति के द्वारा सावर जी आगामी क्या कार्यक्रम है? ये अनुगत समिति द्वारा अभी प्रबोधन प्रतियोगिता शुरू हुई है, उसमें कोई भी भाग लेना चाहे तो ले सकता है। उसकी पुस्तक की कीमत है 100 रुपये, और उस पर अलग अलग फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनाम भी रखे गए हैं, उनको सबको इनाम दिया जाए। निर्मल जी कोठारी और राजेश जी नागालैंड रहते हैं, और दिमापुर में जो छोटा सा उत्सव है उसकी कुछ झलक आपको दिखाऊंगा, और घर वालों ने किस तरह से खुशी अपनी व्यक्त की है। ये दिमापुर नागालैंड का दृश्य है, जहाँ पर बेद परिवार के द्वारा श्री पूनम चंद जी और सरोज देवी जी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रणाम गुरु भाई बने साहब, 50वीं शादी सालगिरह पर भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी साहब प्रणाम, 50वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी। सगो सा सगी सा 50वीं सालगिरह बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी भाई एंड बनेसा, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग 100 साल तक जियो, यही कामना है। ओ मरम हैप्पी एनिवर्सरी मासो साइन मासी सा, पूनम चंद ने भीनणी ने घना घना आशीर्वाद। शादी की गोल्डन जुबली पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाई वली सा प्रणाम करूं, 1000 में मेरी बहना है। हैप्पी एनिवर्सरी मासो सा मासी सा प्रणाम। भाई मारे हमेशा ही शुभकामनाएं, तो हमेशा खुश रहे बस। ये था अपने आप में एक दिव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम, जिसमें हमने 2 कार्यक्रम आपको दिखाए। एक कार्यक्रम सालासर की दिव्य गौशाला श्री बालाजी गौशाला संस्थान में आयोजित हुआ, जिसमें पवन जी ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। वहीं दूसरा कार्यक्रम एक 13 पंथ समाज के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें निर्मल जी कोठारी ने अपने माता पिता की 50वीं विवाह वर्षगांठ पर संतों के आश्रम में अनाश्रित निराश्रित लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की। ये है वो सोच जिसमें अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, मुख्य प्राणियों के बारे में सोचा है जाता है, गरीब और निराश्रित लोगों के बारे में सोचा है जाता है। और अगर ये सोच प्रत्येक व्यक्ति हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। और ये सब कुछ जो प्रेरणा मिलती है वो बालाजी महाराज की कृपा से, संतों की प्रेरणा से मिलती है। और मैं नमन करता हूँ पवन जी गर्ग और निर्मल जी कोठारी को, जिनकी ऐसी सोच है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बालाजी महाराज और गौ माता प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सोच दे, और हम इस तरह की सोच के साथ अपने परिवार के प्रत्येक उत्सव का आयोजन करें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी पप्पू जी शर्मा के साथ, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की।